दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उसकी अगर आप पोल खोलना चाहते हो कि वो अपने फोन से आपके अलावा रात को किसके साथ बातें करती है या फिर करता है, अगर आप पता लगाना चाहते हो कि आपके साथ चीटिंग या धोखा तो नहीं कर रहे, तो दोस्तों आप पता लगा सकते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो दोस्तों आप पता लगा सकते हो कि वो फोन पर किस किस के साथ बातें रात में या दिन में आपके अलावा आपसे चुपके किससे बातें करती है या फिर करता है। अगर आप पता लगाना चाहते हो तो दोस्तों आज मैं आपको कॉलर ट्यून के अंदर चार ऐसी सेटिंगें बताऊंगा। अगर उन सेटिंगों को आप इनेबल कर देते हो तो आप लड़की हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड की पोल खोल सकते हो, और अगर लड़का हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड की पोल खोल सकते हो कि वो फोन पर किस किस के साथ क्या क्या बातें कर रही है। ये सब कुछ दोस्तों आप 1 मिनट में वो भी अपने मोबाइल के अंदर पता लगा सकते हो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर दीजिए। दोस्तों अगर आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके अलावा रात में किस किस के साथ बातें कर रही, कई बार होता है ना आपको डाउट या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे दूर रहती है, तो वो सब आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर कॉलर ट्यून के अंदर चार हिडन फीचर है जिसको इनेबल कर दीजिए। दोस्तों सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा और आप पता भी लगा सकते हो, चाहे लड़का हो तो बॉयफ्रेंड की या गर्लफ्रेंड दोनों की। अब दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले आप कॉलर ट्यून को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ दोस्तों देखिए लास्ट वाले दो फीचर है, बड़े खतरनाक के फीचर है, ध्यान से देखना। अब यहाँ आपको थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको सेटिंग वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलिंग का। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड आपके पास है या दूर है तो दोस्तों ये कॉलिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कीजिए। डाउन करोगे तो दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अब समझिए ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ आपके मोबाइल के अंदर ये सेटिंग आपने अभी तक ऑन नहीं करके रखा होगा, यहाँ देखिए अनाउंस फोन कॉल। दोस्तों अगर आप रात में सोए हुए हो, आपका मोबाइल चार्ज लगाया हुआ है या फिर आपने नंबर सेव करके नहीं रखे हैं, तो दोस्तों क्या कर रहे हो, अनाउंस फोन कॉल वाली सेटिंग को इनेबल कर दी। इससे इनेबल करने से होगा क्या, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल पड़ा है, अगर कॉल आ रही है तो दोस्तों वह मोबाइल आपको उसका बंदे का नाम व नंबर एक एक बताएगा, बोलेगा कि किसका कॉल आ रहा है, एक एक करके दोस्तों आपके सामने बताएगा और आपको पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर दोस्तों। अगर आप अब ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड आपके अलावा अलावा किसके साथ बातें करती है, कब कब करती है वो जानना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ देखिए लास्ट मोमेंट आपको एक मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों आपको जब कॉलर ट्यून को आप जैसे ही ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये देखिए राहुल कुमार जैसे नाम है, तो ये 1 घंटे पहले कॉल पर व्यस्त था, किसके साथ था वो भी डिटेल दोस्तों यहाँ आ गई है। लास्ट मोमेंट पूरा का पूरा यहाँ दोस्तों बता देता है कि कौन बंदा किसके साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो डिटेल दोस्तों आपके सामने इस तरह से आ जाती है कॉलर ट्यून के अंदर। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ आप पता लगा सकते हो, मैंने ब्लर किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, लास्ट टाइमिंग भी देख सकते हो। अब आते हैं दोस्तों, आप सभी को इंतजार था उन फ्यूचर का। यहाँ दोस्तों आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना और सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की तो कॉलिंग देखना चाहते हो परंतु आपकी कॉल कोई ना देखे, आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता ना चले, तो दोस्तों यहाँ आपको एक सेटिंग करनी होगी। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप चाहते हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड की पोल खोलें परंतु दोस्तों आपकी पोल कोई नहीं खोले, तो ये इजेबिलिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद में लास्ट मोमेंट है, वो सभी के सभी हट जाएंगे और किसी को भी नहीं दिखे। अब आप लोग कहोगे तो भाई हम कैसे देखें, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, देखने के बाद में इसको ऑफ कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर और उसके बाद लास्ट वाला फीचर, तो बड़ा कमाल का दोस्तों। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, दोस्तों यहाँ गर्लफ्रेंड का मोबाइल लेना और प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको एक डेटा मिलेगा, 30 दिन का डेटा मिलेगा जिसमें बताया गया है कि आपके मोबाइल के अंदर कितने स्पैम कॉल आए, फर्जी कॉल आए, उसके बाद आपका टाइम सेव है वो भी बता देगा, मैसेज कितने आए, जैसे मेरे 00 मैसेज मैंने डिलीट कर दिए इसलिए 00, उसके बाद आपने कितने ब्लॉक किए हुए उनकी भी डिटेल आएगी, उनकी कितनी बार कॉल आई,
तो सब कुछ 30 दिन का डेटा है वो आपके सामने यहाँ प्रोफाइल दे सकता है। अब दोस्तों आते हैं फाइनल फीचर। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल आए परंतु आपका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रहे, आपका बॉयफ्रेंड का कॉल आए बिल्कुल साइलेंट रहे, बाकी का कॉल आए मोबाइल बजे, तो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक का, ब्लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ डाउन करना तो एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसका भी नंबर साइलेंट करना चाहते हो उनके नंबर यहाँ डालिए, जैसे मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, आपके जो भी नंबर है डाल दीजिए, यहाँ मैंने नंबर डाली। उसके बाद यहाँ पर्सनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और ब्लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों जब भी इस नंबर पर कॉल आएगी इन नंबरों से तो आपका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रहेगा, किसी को पता ही नहीं चले। तो ये थे कॉलर ट्यून के हिडन फीचर जो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। दोस्तों इन फीचर के बारे में आपकी क्या राय है फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए इजाजत, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।